बदायूं में दो मासूम बच्चों के डबल मर्डर मामले में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। दो आरोपी साजिद, जिसे पहले एनकाउंटर में मारा गया है, लेकिन उसका दूसरा भाई जावेद जो फरार चल रहा था, अभी अभी ये खबर आ रही है कि जावेद की गिरफ्तारी हो चुकी है। बरेली से जावेद को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जो बड़ा भाई जो मुख्य आरोपी था, जिसने दो मासूमों की निर्मम हत्या की थी, बेरहमी से हत्या की थी, अब ये खुलासा हुआ है कि जावेद की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। आपसे थोड़ी देर पहले ही आपको बता दें, जावेद की बरेली से ये गिरफ्तारी हुई है और बहुत बड़ी कामयाबी से कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो दो मासूम बच्चे जिनकी निर्मम हत्या की गई, नृशंस हत्या की गई, ये सामने नहीं आ पा रहा है, ये वजह सामने नहीं आ पा रही है कि आखिर साजिद और जावेद ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया है। आपको बता दें कि बीते मंगलवार की एक घटना है, दोनों भाई आयुष और आहान, जिन दो बच्चों की हत्या की गई, उनके घर जाते हैं, क्योंकि यही कहा जा रहा था कि दोनों ही परिवारों में पारिवारिक रिश्ते थे, और यही वजह है कि जब जावेद और साजिद उनके घर जाते हैं तो उनकी जो माता है, आयुष और आहान की जो माता है, उन्हें चाय पीने के लिए बैठाती हैं, क्योंकि विनोद की तरफ से जो ठेकेदार इस परिवार के, जो आयुष और आहान के जो पिता हैं विनोद, वो ठेकेदारी का काम करते थे, वो घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन पारिवारिक रिश्ते थे, रोज़ाना उनका आना जाना था उसके घर में। लेकिन ये इतनी बड़ी घटना क्यों हुई, इतनी बड़ी वारदात क्यों हुई, अब तक इसकी वजह साफ नहीं हो पाई है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि साजिद की एनकाउंटर में मौत हो गई, जो फरार चल रहा था जावेद, उसकी गिरफ्तारी अब बनारस से कर ली गई है। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ा खुलासा भी हुआ है, और वो खुलासा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जुड़ा हुआ। दोनों ही डबल मर्डर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, और कई चौंकाने वाले खुलासे जो हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आए हैं। सबसे पहला खुलासा तो यही है कि साजिद ने दोनों मासूम बच्चों पर 23 वार किए थे, एक दो या तीन बार नहीं, 23 वार किए गए थे। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस हत्या के पीछे कोई सोची समझी साजिश हो सकती है, कोई तैश में आकर इस पूरे घटना को अंजाम नहीं दिया गया, वारदात को अंजाम नहीं दिया गया, एक नहीं दो नहीं 23 वार किए गए। और जानकारी यही निकल कर आ रही है कि आयुष पर 14 वार किए गए हैं और आहान उस पर 8 से 9 वार किए गए। तो आप देखिए कि जब तक दोनों मासूमों की जान नहीं चली गई, तब तक ये दोनों आरोपी यानी कि साजिद और जावेद उन पर वार करते रहे। अब ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि सीने में, हाथों में, पैरों में, पीठ में इस तरीके से चाकू से, धारदार हथियार से वार किए गए कि जब तक उन दो मासूमों की जान नहीं चली गई, तब तक जावेद और साजिद दोनों उन पर हमले करते रहे। अब इन दोनों ने इस तरीके से उन्हीं के घर में जाकर उन पर इस तरीके से वार क्यों किया, हमला क्यों किया, इस पूरी वारदात, इस पूरी घटना को अंजाम क्यों दिया गया, अब तक ये साफ नहीं हो पाया है। हालांकि देखिए, उसके बाद से लगातार जो है बदायूं में तनाव का माहौल देखा जा रहा है। परिवार कुछ नहीं चाहता है, वो सरकार से कुछ नहीं मांग कर रहा है, लेकिन परिवार की तरफ से सिर्फ साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि उन्हें एक ठोस वजह चाहिए कि आखिर साजिद ने या जावेद ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। क्योंकि जानकारी यही मिल पा रही है कि कई सालों से दोनों ही परिवारों का एक दूसरे के घर में आना जाना था, जिस घर में आयुष की माता रहती हैं उसी घर में वो पार्लर का काम करती हैं, आयुष के पिता वो ठेकेदारी का काम करते हैं, और जावेद और साजिद जो हैं वो हेयर ड्रेसर का काम करते हैं, और पास ही में उनके घर के पास ही उसकी दुकान थी। अब बीते मंगलवार को होता क्या है, बीते मंगलवार को साजिद जो है आयुष के घर आता है, और उसके बाद वो कुछ पैसों की डिमांड भी करता है। उसकी तरफ से साफ तौर पर कहा जाता है कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, वो आयुष की माता से पैसे की गुजारिश करता है। आयुष की माता अपने पति को फ़ोन करती हैं और उन्हें बताती हैं कि साजिद आया है, साजिद कुछ पैसों की मांग कर रहा है। हालांकि पहले तो ठेकेदार ने देने से मना कर दिया, लेकिन माँ की तरफ से ये कहा गया कि हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, बच्चा अच्छा है, यानी कि साजिद अच्छा है, वो कल पैसे लौटा देगा। और यही वजह है कि उसने ये कहा कि मैं थोड़ी देर में पैसे लेकर आती हूँ, आप सिर्फ चाय पी लीजिए। चाय के बहाने साजिद की तरफ से कहा गया कि उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, वो चाहता था कि वो दूसरी मंजिल में बाहर चला जाए।
ऐसे में आयुष की जो माता है वो चाय बनाने चली जाती है, लेकिन साजिद जो है जावेद को अंदर बुलाता है घर के अंदर, और उसके बाद दोनों ही मासूमों की निर्मम निशंस हत्या कर देता है। लेकिन अब जानकारी मिलकर निकल कर यही आ रही है कि साजिद की गिरफ्तारी, जावेद की गिरफ्तारी हो चुकी है, साजिद को एनकाउंटर में मारा गया है। इससे पहले ये भी खबर थी, क्योंकि जावेद लगातार फरार चल रहा था, उस पर 25,000 का इनाम भी उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से रखा गया था, लेकिन अब जानकारी मिल पा रही है कि बनारस से जावेद की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब इस पूरे मामले में कौन सी साजिश है, क्या वजह निकल कर आई है, इस पर से पर्दा उठना बाकी है, क्योंकि अभी तक कोई भी क्लैरिटी या कोई भी वजह जो है इस पूरे मामले में साफ नहीं हो पाई है।